बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हम लोग करेंगे एयर सिक्योरिटी फोर्स में एसआई का पेपर, जो 31 मार्च 2022 में हुआ। तो इस पेपर में जो मेरे पास पेपर है, ये थोड़ा सा ना मतलब क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से, ब्लर होने की वजह से सही तरह आपको समझ नहीं आएगी। तो मैंने ऐसा किया हुआ कि इसमें से जो एमसीक्यूज थे उनको आंसर और उनको सिर्फ उनकी स्टेटमेंट को लिख लिया, ताकि हमें पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे। और आपको पता, मोस्टली पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ रहिएगा, क्योंकि आपकी जो मजीद फ्यूचर पोस्ट हैं, अगर आपने वन पेपर में एमसीक्यूज में अप्लाई किया हो, पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस में, तो ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि कौन से एमसीक्यूज थे इंग्लिश के, जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर के और इस्लामिक स्टडी उर्दू के, ताकि हम इसको पढ़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था जी, सिनोनिम था क्यूरेटर का। क्यूरेटर आपको पता, मुहाफिज, गार्डियन को कहते हैं, तो इसका आंसर गार्डियन था। सिनोनिम ऑफ एगर था, तो एंग्शियस यानी फिक्रमंद, परेशान, तो एगरली होता है कि तवज्जो के साथ, मतलब फुल कॉन्शियस होके, तो इसका आएगा एंग्शियस। तो एंटोनिम थे टू कॉर्डिनल का था, मोतदल या माइल्ड जो होता है, आपको पता है इसको माइल्ड या कॉर्डिनल गैर मोतदल होता है। तो एंटोनिम ऑफ रेकलेस था, तो प्रूडेंट होता है मोहतात, तो रेकलेस होता है लापरवाह। तो आगे थे कुछ जनरल नॉलेज के एमसीक्यू, जिसमें थे, जिसमें फिफ्थ नंबर पे पूछा हुआ था क्लोजेस्ट जो क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन है वो मरकरी है, आपको पता है। इसी तरह जो सेकंड है वो वेनस है, फिर अर्थ है, फिर मजीद आगे हैं। तो प्लीज़ इनको देखिएगा, मैंने इस पर भी वीडियो बनाई हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है, उस पर मैंने बड़ी डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया। तो वो वीडियो भी इस वीडियो के एंड पे मैं वो उसकी जो है वो शेयर कर दूंगा लिंक, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके आप वो वीडियो भी देखिएगा। सिक्स नंबर पे पाकिस्तान लाइज बिटवीन लैटीट्यूड 24 से नॉर्थ टू 37 नॉर्थ है पाकिस्तान का। तो ताशकंद जो एग्रीमेंट है, वास साइन, ये 10 जनवरी 1966 में एग्रीमेंट, ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया गया था इंदिरा गांधी और जनरल यूब खान के साथ। तो सनलाइट टेक टाइम टू रीच अर्थ, तो आपको पता है ये 8 मिनट्स लगते हैं सनलाइट को ज़मीन पर पहुंचने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। एज रिक्वायर्ड फॉर एमएन, तो आपको पता है कि जो मेंबर नेशनल असम्बली है उसके लिए 25 ईयर एज चाहिए। तो ख्योरा इज अ फेमस पार्ट, तो आपको पता है ख्योरा जो है ये साल्ट माइन है, जो कि हमारे झेलम के साथ ख्योरा में है। विच कंट्री फर्स्ट रिकॉग्नाइज पाकिस्तान, आपको पता है ईरान ने रिकॉग्नाइज किया था। तो लॉर्ड कर्जन जो पार्टीशन बंगाल इन पार्ट्स टू, मतलब 1911 में, मतलब ये पार्टीशन ख़त्म हो गई थी, तो 1905 में ये पार्टीशन हुई थी। तो ASF रूल्स 1978 के हैं। ASF ड्यूटी सर्च एंड आइडेंटिफिकेशन इसकी ड्यूटी है, आपको पता है ये ASF एक्ट के में से आया। क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन, आपको पता है वेनस है, पहले नंबर पे आता है मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, और सबसे हॉटेस्ट भी वेनस है, और वेनस की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है, बाकी जितने भी प्लैनेट हैं उनकी वेस्ट टू ईस्ट है। एलर विटामिन इन सनलाइट, तो आपको पता है जो सनलाइट में विटामिन डी है, ये PMS के जो जनरल नॉलेज का 2022 का था पेपर, उसमें भी ये आया हुआ था। तो सिल्क हाईवे लेंथ 37 किलोमीटर है जी सिल्क हाईवे की। तो सेनेट इन विच कॉन्स्टिट्यूशन, तो सेनेट 1978 के कॉन्स्टिट्यूशन में है। इंडस वाटर ट्रीटी वाज ब्रोकन बाई, तो वर्ल्ड बैंक की वजह से ये जो है इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको सिंतास माहिदा कहते हैं, ये वजूद में आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आगे 18 पे चलते हैं। 18 में जी वो पूछ रहा है कि सेनेट इन विच कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने बता दिया आपको, इंडस भी अप कर लिया हमने। 20 में चलते हैं। आउट ऑफ फ्लो ऑफ रिवर ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिवर नाइल, तो लेक विक्टोरिया इसका जी आउटफ्लो है। हाइस्ट जो माउंटेन है K2 इन फीट, तो ये है जी फीट में 28,251 फीट है, और किलोमीटर में आपको पता 8,600 किलोमीटर है। तो आयत इन सूरह अहज़ाब, तो सूरह अहज़ाब की एक आयत पूछी गई थी, जिसमें से वो खातमुन नबीयीन के बारे में पूछा था, तो वो 73 थी। प्रोफेशन ऑफ हज़रत अबू बकर, तो हज़रत अबू बकर आपको पता था जो मर्चेंट थे, यानी वो ताजर थे।
तो अबू तालिब का डेट और पूछा गया था कि कब वो मतलब जो है वो उनका वफ़ात है, तो 1516 है। तो हुदैबिया वाज द नेम ऑफ हिल, आपको पता हुदैबिया, सुलह हुदैबिया बड़ा मशहूर है। जब नबी सलाम ने पहले उमरे के लिए, तो हुदैबिया के मुकाम पे एक एग्रीमेंट हुआ जिसको हुदैबिया एग्रीमेंट भी कहते हैं। तो हुदैबिया असल में बेसिकली एक हिल है वहाँ पे। तो इफ़ अ क्लॉक लूजेज 5 मिनट्स इन अ डे, आफ्टर हाउ मैनी डेज इट विल गिव करेक्ट टाइम, तो राइट करेक्ट आंसर इन द कमेंट है। तो ये मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, बड़ा आसान। ये भी एक कमेंट में, ये भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो इफ़ 45 पेजेस आर लेफ्ट, हाउ मैनी पेजेस आर इन बुक, तो आप बताओ 180 बचते हैं। अगर 45 आर लेफ्ट, हाउ मैनी पेजेस आर इन द बुक, हाईएस्ट नंबर इन द कंजेक्टिव इंटीजर। तो वो एक एमसीक्यू था, स्पेलिंग ऑफ असिस्टेंट के पूछा हुआ था करेक्ट क्या थे। तो लनर एलिप्स अक्कर व्हेन व्हेन द अर्थ कम बिटवीन द सन एंड द मून, तो तब लनर एलिप्स होती है, यानी सूरज ग्रहण लगता है जब जमीन चांद और सूरज के दरमियान रहती है। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन स्पाइनल कॉलम ऑफ द ह्यूमन ईयर, तो जो इंसान के ह्यूमन कॉलम में स्पाइनल में है, आर वो 33 हैं। फर्स्ट ओलंपिक गेम वर हेल्ड 1940 में, फर्स्ट ओलंपिक हुई थी। पाकिस्तान वॉन आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2017 में, पाकिस्तान इंग्लैंड में जीती थी, और पाकिस्तान ने फाइनल में जो है हम लोगों ने इंडिया को शिकस्त दी थी। तो अर्थ इज कंपोज ऑफ लेयर्स एक्सेप्ट, तो अर्थ इज कंपोज ऑफ लेयर एक्सेप्ट, तो अर्थ में मतलब कि लेयर्स के बारे में पूछा हुआ था कि उसके अलावा बाकी कितनी लेयर्स हैं। तो प्लैनेट नियरेस्ट टू सन, तो मरकरी है, ये पहले भी उसने एमसीक्यू दोबारा रिपीट कर दिया है। यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी, तो बैकरोल होता है। तो सबसे पहले जो रेडियोएक्टिविटी जिस बंदे ने ईजाद की थी उसका नाम था हेनरी बैकरोल, तो उसी के नाम से रेडियोएक्टिविटी का यूनिट है। मेन फंक्शन ऑफ ASF एट एयरपोर्ट इज आर ऑल ऑफ अबव, तो जितने थे वो सारे थे। तो किस कौम पर अजाम नाजल हुआ था, जो डिफरेंट दीवी थी उनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थी। ASF सर्विस रूल्स हैव बीन फ्रेम इन 1978 में, तो ये भी MCQ था। तो बाकी भी इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। थैंक यू सो मच, फ़ीमा अल्लाह।